ये पहला इंटरव्यू हम आपको कल शाम 6 बजे दिखाएंगे, लेकिन अभी इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान होंगे। इनकी उम्र भले ही केवल 27 साल है, लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विषय बने हुए हैं। ये खुद को कट्टर सनातनी हिंदू राष्ट्र का पक्षधर और घर वापसी के सबसे बड़े प्रायोजक बताते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का। अभिनंदन आपका। अभिनंदन आपका। प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया राम लखन सीता रसिया शास्त्री जी, आपका अभिनंदन है। पहले तो स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और आर पार के इस कार्यक्रम को भी बागेश्वर पीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछूं तो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है आपका, बड़ा क्रेज है। इतना क्रेज तो बॉलीवुड एक्टर्स का भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कि इस फैन फॉलोइंग का बड़ा राज क्या है? आप जादूगर हैं, चमत्कार दिखाने वाले हैं, आखिर धीरेन्द्र शास्त्री है कौन? पहली बात तो हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार है। फैन फॉलोइंग तो उनकी होती है जो सेलिब्रिटी होते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रिटी, आई एम नॉट एक्टर, आई एम नॉट फिल्म एक्टर। हम तो केवल एक साधारण मानव सनातन का झंडा लेकर चलने वाले एक साधक हैं। हमारी कोई फैन फॉलोइंग नहीं, हमारा परिवार है। हमें गर्व है कितना बड़ा परिवार। लेकिन अगर आपका मैं परिचय पूछूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? चमत्कारी हैं, अवतारी हैं, कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री एक साधारण इंसान है, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं। उसका परिणाम है ये कि जो धर्म विरोधी हैं उनके मुंह पर तमाचा लग रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या गुण है? मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना? सच्चाई बोलने का गुण है, और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्य से जोड़ने का गुण है। और ये अगर किसी भी इंसान के पास ये गुण आ जाए तो ईश्वरीय दिव्य कृपा को वो स्वतः ही पा जाता। आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है जिसकी वजह से आप लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन आलोचक भी हैं आपके, और बड़ी संख्या में है वो आलोचक। वो कहते हैं कि आप एक माइंड रीडर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही हनुमान जी की कृपा है। सब पर है सो हम पर है। और दूसरी बात रही बात माइंड रीडर वाली, कांच में और मणि में बहुत अंतर होता है। चमकदार दोनों होते हैं, पर जो मणि काम करती है वो कांच काम नहीं करता। ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है, सेकुलर है हमारा देश, तो सिर्फ हिंदुओं के आधार पर देश कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान में 125 बार पत्रकार महोदय संशोधन लगभग हो चुका है, 126 बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार सेम करते हैं। यू कह दीजिएगा सेम और वो इतना प्रेम करते हैं, और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद है AI MIM के, और आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए जरा।
कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे, कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते वैसे हम भगवाए हिंद कह सकते। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है कैसे? एक साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनीय व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे, वो भारत में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे और इस देश में एकता ना हो पावे, इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी, राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठठरी के, बहुत प्यारा शब्द है। अब बुंदेलखंडी आदमी अब तो लगभग भारत का प्रत्येक बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है, परिवार के लोग हमारे जानते हैं। ठठरी बरे शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठठरी सबकी बरनी है और उसकी ठठरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। उसकी ठठरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। तो सनातन के खिलाफ आप किसको मानते हैं? ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया। आपके एक मित्र हैं शेख मुबारक खान, शेख मुबारक खान आपके मित्र हैं। अच्छा, 500-600 मुसलमान परिवार हमारे शिष्य भी हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। हर पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे, कई लोगों को आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते, हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। किसी की हम धर्म वापसी पर भरोसा नहीं करते हैं, कन्वर्जन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम तो घर वापसी। अब भाई राम जी के शरण में विभीषण आया तो राम जी भगा देंगे क्या? भगाया क्या? आए तो राम जी ने, वो भी तो शत्रु का भाई था विभीषण, उन्होंने भी गले लगाया और हम भी प्यारे यही करते हैं, क्या गुनाह करते हैं। शेख मुबारक बॉलीवुड बॉयकॉट के विषय पर, बुलडोजर पर, वो इस तरह के विवादित बयानों से वो कहते हैं मैं सहमत नहीं हूँ। उनके सहमत होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्र हैं आपके पर? मित्रता तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत रंग और धर्म और पंथ नहीं देखती। मोहब्बत तो चांद से भी हो जाती है जो कभी मिलने लायक नहीं होता है। आपने एक बयान दिया, तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। क्यों? अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या करें, स्वागत करें? हमने सिर्फ विनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा। हमारा यह बयान पूर्णतया अहिंसात्मक है, इसमें हिंसा को बुलडोजर चलवाना अहिंसात्मक, अहिंसात्मक है, इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी जगह नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ, हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुलडोजर चलवाओ। आज एक दौर है, आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं जो कि बहुत नेक काम है, इसमें कोई इसकी तारीफ भी मैं करना चाहता हूँ। आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी, बहुत। तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी। हाँ, उन्होंने की, बहुत लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की, उसमें शेख मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। देखो हम आप सबको बताएं, यहाँ जो बैठे हैं, जो टीवी पर आर पार पर देखेंगे, हमने अपने जीवन काल में बहुत झंझट, देखो आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, करोड़ों अरबों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। ये व्यवस्था है इस प्रकृति की। हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखे, बहुत आंसू बहाए, बहुत संघर्ष, आज भी संघर्ष। लोगों को लगता है, लोग तारीफ करते रहे जिंदगी भर उस दीवार पर टंगी चित्र की, लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देखा। आज लोगों को चुभ रहे होंगे हम, आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बनठन करके टीवी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है,
लेकिन उसके पीछे हमने कितने संघर्ष झेले और कितने झेल नहीं रहे। सनातन हमारे बाप की बाप होती है और हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे, सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है। कन्या विवाह 125-50 करवाने के लिए कर्जा उठा उठा करके हम बेटियों का विवाह कर रहे हैं, उससे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। 4 साल से निःशुल्क भंडारा चलवा रहे हैं, इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है, ना आश्रम का हित हो रहा है, और हमारा तो आश्रम भी नहीं बन पा रहा है। और आगामी समय में आने वाली कथाओं की दक्षिणा से कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, वो भी मंत्र चिकित्सा करने वाली एक परंपरा का एक साधक, उससे भी हमारा कोई हित नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ संकल्प मानवता और प्रत्येक व्यक्ति को राम से जोड़ने का। लेकिन आपने बोला अब तो मुख्यमंत्री आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए हैं, अब इनके आगे कौन। दयालु, हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, हम प्रभाव में पड़ने वालों में से नहीं है। हमारे ऊपर पहले ही एक का प्रभाव पड़ चुका है, वो बजरंगबली का है। बाकी हम प्रभाव में बहुत ज्यादा, प्रभाव के लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं और प्रभाव के लोगों से बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं। कोई आए तो स्वागत है, सब आते हैं। आपने एक बात बोली कि अक्सर लोगों को हंसाने वाला अकेला बैठ के रोता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अकेले बैठ के आप क्या सोचते हैं, जब रात को समय हो जाता है, जब आप अकेले होते हैं। 24 घंटे में हमारे 3 या 4 घंटे हैं निजी जी, चाहे हम सो लें चाहे हम जो कर लें, क्योंकि वहां हजारों लोग आते हैं। हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो बेचारे इन पर क्या बीतेगी, अपेक्षाएं लेकर के लोग आते हैं। हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ 2-3-4 घंटे जो होते हैं। चार अकेले क्या सोचते हैं बाबा? सनातन, लोगों का हित कैसे हो जाए। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है, पूर्व विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद साहब, वो कहते हैं कि राम राज्य इज इक्वल टू निजामे मुस्तफा, ये दोनों समान है, इसमें कोई फर्क नहीं है। 1,98,56,58,110 साल पुराना इस प्राचीन, इससे भी ज्यादा प्राचीन है ये, तो एक हमने लगभग लगभग बताया है। अब कोई अपने आप से तौलता है, ये उसकी बिचारे की मजबूरी है। राम राज्य की अगर वो कल्पना, कोई आपने नाम लिया है पवित्र मुंह से, हम वो लेना नहीं चाहेंगे जी। अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है, वो बिचारे की मजबूरी है। और तौलना भी चाहिए, बड़ों के सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज्जत बचाते। आप लोगों को अपने ऑरा में उलझा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो बागेश्वर बाबा का सच से सामना, आप देख रहे हैं टीवी स्टूडियो में पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री का उन सवालों से आमना सामना जो अब तक किसी ने नहीं पूछा। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बाबा बागेश्वर क्या सोचते हैं, रामचरितमानस विवाद और स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू कल शाम 6 बजे देखिए। लेकिन अभी आपको इस इंटरव्यू की एक और झलक दिखाते हैं। वो कहते हैं अब अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, आप लोगों को अपने ऑरा में उलझा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, दूसरी बात हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। इस देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, इस देश में वो हलीउल्ला कह के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया है। अद्भुत देश है ये मुंह लोग लाते कहां से, अद्भुत विचारधारा है लोगों की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ। इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं होते, ईश्वर की दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, हमने अनुभव किया है, चले आइए कभी बागेश्वर धाम, वेलकम टू यू। आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है ये। अंधविश्वास और विश्वास में एक बारीक लाइन बताइए, समझाइए जरा इस बारीक लाइन। देखो
आप हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातनी हैं? बिल्कुल। क्या आप दीपक जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं। ये भी अंधविश्वास है। तो आप कह रहे दीपक जलाना भी अंधविश्वास? अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास किसी को लग रहा, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंधविश्वास किसी को लग रहा, तो उसमें अमीश देवगन जी भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन अब आपको तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दें? आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं। हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब। अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है, और ये चौपाई अगर चमत्कार कर देती है, इसमें दोषी हम क्यों? तुलसीदास जी के ऊपर आरोप लगाइए। हमारे भगवान हनुमान जी भी बूटी पर भरोसा करते, लाय सजीवन लखन जी आए। अगर ओवैसी जी आपके पास आए अर्जी लगवाने के लिए तो आना चाहिए, उनको आना चाहिए, आना चाहिए, लगा देंगे। सद्बुद्धि सबको होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो, जिन जिन को आना हो सबका स्वागत है। अच्छा, किस किस का आपने पर्चा, मतलब नेताओं में राहुल गांधी जी का पर्चा खोला कभी? किसी का पर्चा जो आता है उसकी अर्जी लगती है। हमारी कोई निजी आस्था से पर्चा नहीं बनता है, उनकी प्रेरणा से पर्चा बनता है। तो ये पर्चे की कहानी क्या है? कुछ भी नहीं, ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के समय से चल रही परंपरा। लोगों ने अब जाना है। कभी अगर आज हमारे दादा गुरु जी होते तो लोग शायद ये प्रश्न भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस जमाने में मीडिया नहीं थी। हमारे दादा गुरु तो अब समझो हमारे बाप के बाप हैं। वो हम जब इतने खतरनाक है तो वो कितने नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं जो अपने पर्चे खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल, जो स्टूडियो के उस पार है यानी कैमरा के थ्रू आपको देख रहे हैं, वो अपने पर्चा खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल खुलवाना। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे, बागेश्वर धाम प्रेम पूर्वक आओ। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में सबको हनुमान जी का बनाना। सवाल कोई पूछना चाहता है तो पूछे। जी 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 बाबा जी, मैं फरीदाबाद से रोहितास ताहिर। मेरा एक सवाल है, आप अभी अभी कह रहे थे कि जब आप एकांत में होते हैं तो ये सोचते हैं कि सबका भला कैसा हो। आप स्वयं बागेश्वर सरकार हैं धीरेन्द्र, आप आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, लोग जानते हैं। हाँ, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। कि आपने जो बात रखी धर्म निरपेक्ष के बारे में, सिर्फ हिंदू, तो धर्म तो जो है मेरे ख्याल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उससे भी बड़ा शब्द है, उसको हम एक मजहब में नहीं बात कर सकते। पहली बात तो आपने हमारे हमको बहुत कम सुना है, आप हमको बहुत सुनिएगा। हिंदू का मतलब कोई एक विशेष संप्रदाय नहीं, हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है। जी चलिए, अब एक सवाल जवाब का एक और, जो हिंसा के खिलाफ वो हिंदू, हिंसा जिसे पसंद ना हो वो हिंदू। स्वामी जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरितमानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है, और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर हमने इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में नीति है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, देर ना करें। लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनीतिक रोटियों तक सीमित रहते हैं। इसलिए 2 कौड़ी की राजनीति में हम करोड़ों के अध्यात्म को नहीं बहाएं। अगला सवाल मेरा यह है कि क्योंकि देश में राजनीति की बात होती है और आपने 2024 का जिक्र किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं 2024? हिंदू राष्ट्र की। पर 2024 में चुनाव भी है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, इधर तो नित्य चुनाव है। अच्छा एक बात बताइए, बागेश्वर बागेश्वर धाम में आप रहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री
आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं। तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब अब आपका डरें किसके बाप से? हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं, ना किसी के मकान पर कब्जा किया, ना हमने जमीनें छोड़ाई, ना किसी से दान लिया, तो किसके बाप से डरें? हम बांटने बैठे हैं तो सिर्फ हनुमान जी से डरते हैं, पाप से डरते हैं। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े, इससे डर लगता है। लेकिन एक विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये विषय मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। रामचरितमानस को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, किसी ने उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा, जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला ग्रंथ कहा, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं, और एक बिहार के मंत्री है उन्होंने भी कहा, किसी ने इसको महिला विरोधी, किसी ने इसको दलित विरोधी कहा, क्या कहते हैं? इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है। राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार बार प्रोड्यूस करना है और बार बार उसको आगे अप्रोच करना है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए। हरि हर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। माता पिता भगवान शिव भगवान विष्णु की निंदा करने वाले व्यक्ति को सुनना और उसको देखना गो हत्या बराबर पाप। आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लानिंग हो रही है और आपके विरोधियों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा होनी चाहिए? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। वैसे तो उन्होंने हमें सिक्योरिटी दे रखी है श्री हनुमान जी ने, लेकिन लौकिक व्यवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई व्यवस्था हो और है तो कोई दोष नहीं है या कोई बुराई नहीं। सबको डर, देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे, दरबार लगा रहे थे, कभी बात नहीं उठी। जब से पुरजोर तरीके से कन्वर्जन को रोका तब से लोगों को जलन हुई, तब से नए नए प्लान। एक लॉबी आपके खिलाफ है पूरी, प्लांटेड लोगों का आना, प्लांटेड दरबार में चिल्लाना। अभी कुछ दिन पहले एक प्लांटेड व्यक्ति का पोल खोला दरबार में ही, वो 20 दरबार में चिल्ला पड़ा। धाम पे भी प्लांटेड लोग आना, फिर ये छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना। ये सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं जी, उनको गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा, क्योंकि जो करोड़ों रुपए धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? सच्चाई ये है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिशन को फेल हम कर। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ईसाइयों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। तो सारी घर वापसी तो वहीं से हो रही है। फिर वही बात, धर्म परिवर्तन वो कराए, हम तो घर वापसी करवा रहे हैं। चलिए अगला राउंड और ये आखिरी राउंड भी है, और इस राउंड में मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पर लूंगा। इस राउंड की शुरुआत करते हैं और पहली जो तस्वीर आ रही है आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा और आप अपनी गद्दी से भी खड़े हो जाएंगे जो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। वाकई मैं कह रहा हूं कोई बात है तो हम खड़े भी हो जाएंगे जी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे, वाह जगत गुरु राम भद्राचार्य, पूज्य गुरुदेव भगवान है ये हमारे, उन्हीं की कृपा है। जय हो गुरुदेव भगवान की। तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरु जी के बारे में अपने? बस जो पूछते थे आज तक की चमत्कार क्या है, ये है जिनके नेत्र नहीं है, अनेकों ग्रंथों की जिन्होंने रचना की हो, अनेक भाषाओं का जिनको ज्ञान हो, राम मंदिर का मुद्दा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रखा हो और साक्ष्य प्रस्तुत किए हों, और साक्ष्य प्रस्तुतीकरण से जिन महापुरुष ने जज को भी चौंका दिया, इस देश में इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो? तो आप कह रहे ये है चमत्कार, ये भारत के जो लोग हमसे अब तक पूछते थे कि चमत्कार क्या है, उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए। पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले। अगली तस्वीर जो है देखते हैं कौन सी आ रही है, मुझे भी नहीं पता है। ये राहुल गांधी जी की, क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स।
नो कमेंट। राजनेता और राजनीति पर ये भी काफी आजकल धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। स्वागत है। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजपीठ के देश की प्रमुख सत्ता पर जो बैठे हैं और राष्ट्रहित जो कर रहे हैं उन सबको बागेश्वर पीठ से साधुवाद। अगली तो कुछ कहना। आप प्रधानमंत्री मोदी जैसा काम कर रहे हैं उस पर आप कुछ प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ कुछ काम कर रहे हैं किसी पर क्या कहेंगे, जो कर रहे हैं सब हमारे लिए, तो सब जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो विवाह करेंगे? संदिग्ध हालत में मिला था। उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम का घर सील किया और जिसके लिए एसआईटी पूरे दलबल के साथ सद्दाम के घर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने के दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, बाकी के दो आरोपियों की तलाश तेज। मध्य प्रदेश के धार में तीन ट्रक आपस में ही टकरा गए, तीनों ट्रकों में इसके बाद भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में विवाद के बाद दो भाइयों को दिया कुएं में धक्का, घटना का वीडियो हुआ वायरल, दोनों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने तस्कर का किया एनकाउंटर, मुठभेड़ में 25,000 का इनामी तस्कर घायल हुआ, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में भीषण आग लग गई, सीरियल के सेट पर लगी आग की चपेट में कई स्टूडियो, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बगहा में झोपड़ियों में भीषण आग से अफरा तफरी यहां पर मच गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, आग लगने की वजह पता नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चलती कार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों का कहर देखने को मिला, लोगों ने डर से अपने मकान बेचने को यहां पर मजबूर नजर आए, घर बेचने के लिए घरों के बाहर लगाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक घर से दो शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, आरोप यह है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर दी। बिहार के छपरा में छापेमारी के दौरान शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और मारपीट यहां पर की, बदसलूकी का वीडियो भी आया सामने। मध्य प्रदेश के दमोह में नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, जमीन कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान पर बुलडोजर चला। जम्मू में एक महिला डॉक्टर के चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा किया, कत्ल का आरोपी महिला के दोस्त जौहर महमूद पर लगा। महाराष्ट्र के नासिक में एक एसपीजी जवान अपने बच्चे और पत्नी के साथ नहर में गिर गया, वहां मौजूद लोगों ने उसके परिवार को तो जरूर बचा लिया लेकिन जवान की तलाश अब भी जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने के एक आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है, दाऊद पर दिल्ली एनसीआर इलाके में कई गिरोह को अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने के आरोप लगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कई दिनों से बाघिन की दहशत से ग्रामीणों में डर, वन विभाग की टीम बाघिन को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के से शिफ्ट की जाने वाली बाघिन अब भी वन कर्मियों की पकड़ से बाहर है, उसे पकड़ने के लिए हाथियों की मदद भी यहां पर ली जा रही है। मुंबई के मरोल इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुआ घुस गया, वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पर शिकंजा कसा, पंजाब विजिलेंस ने चन्नी के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर। रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए बीएसएफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है, नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी राहत मिलेगी। खालिस्तान समर्थक यूट्यूब चैनल्स पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा, खालिस्तान के समर्थन में वीडियो दिखाने के आरोप में 6 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें उनके सामने दो बच्चे जोशीले गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं।
आईएमएफ ने पाकिस्तान के जख्मों पर एक बार फिर से छिड़का नमक। आईएमएफ ने आर्थिक संकट में फंसे देशों की मदद के लिए कर्ज की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज देने पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया। श्रीलंका में आर्थिक हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सरकारी खजाना खाली होने की वजह से वहां चुनाव टालने की यहां पर नौबत आ चुकी है। सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के पास बैलेट पेपर प्रिंट करने तक के पैसे नहीं बचे। अमेरिका पर मंडराया आर्थिक संकट का खतरा। सिलिकॉन वैली बैंक हुआ बंद, FDIC पर भी जड़ा गया ताला। पेरू में याकू तूफान के बाद आई बाढ़ से लोगों का हाल इस वक्त बेहाल हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। कैलिफोर्निया में हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ का कहर इस वक्त झेल रहे हैं। कैलिफोर्निया के उत्तरी हिस्सों में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। चीन के एक प्रांत के एक इलाके में अचानक से ही आसमान से कीड़ों की बारिश होने का वीडियो वायरल हुआ। मौसम बिगड़ने के बाद अजीब तरह से यहां पर कीड़े नजर आए। ब्रिटेन पर सर्दी का कहर टूटा। बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से लोगों का जीना यहां पर मुश्किल हो चुका है। घर, सड़क, कार सब पर बर्फ की मोटी परत यहां पर जमी हुई नजर आई। इटली सरकार ने देश में घुसने की कोशिश करने वाले 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। सभी लोग नाव की मदद से समंदर के रास्ते घुसने की कोशिश में थे। अमेरिकी देश अर्जेंटीना के रोसारियो में बच्चा चोरी के शक में एक आदमी की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। भीड़ ने आरोपी को घेर कर पीटा। पुलिस ने आदमी को अपनी कस्टडी में लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बर्फबारी के बीच फंसी गायों को मदद पहुंचाने की कोशिश हुई तेज। हेलीकॉप्टर की मदद से गायों तक घास पहुंचाई गई। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और जिसके बाद सेना को मैदान में उतरना पड़ा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने फिर से छटनी का ऐलान किया। कंपनी ने छटनी की दूसरी लिस्ट को तैयार कर लिया है। पहले राउंड की छटनी में 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। अब चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ। इससे पहले ईडी ने के कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। सीबीआई के समन्स पर आज पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। अस्पताल में पत्नी के भर्ती होने का दिया हवाला। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को जारी किया था समन्स। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी के निशाने पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के रिश्तेदार भी। पटना में लालू यादव के करीबी के घर की ईडी की छापेमारी में भारी तादाद में कैश और गहने बरामद। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के रिश्तेदार ईडी के निशाने पर। यूपी के गाजियाबाद में लालू यादव के एक रिश्तेदार के यहां देर रात छापेमारी हुई। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी पर सियासत गरमाई। जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर प्रधानमंत्री बोले, हमारी सरकार ने युवाओं का कौशल बढ़ाने और रोजगार का अवसर देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने आयुर्वेद सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद पूरे विश्व में छाने के तैयार है। नीतीश कौशिक की पार्टी वाले फार्म हाउस से पुलिस को मिले संदिग्ध दवाई के पैकेट। पार्टी में आए गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रही है पुलिस। जांच में पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से 2 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की आला अफसरों के साथ चर्चा। आज नीति आयोग करेगा सभी राज्यों के साथ बैठक। गुजरात विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। केंद्र से बीबीसी पर सख्त कार्रवाई की मांग। हर्ष संघवी ने बताया टूलकिट।
प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे से नैनी जेल में मिले थे कुछ लोग। अली का दोस्त बनकर की थी मुलाकात। 24 फरवरी को हुई थी मुलाकात। उमेश पाल शूटआउट कांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को बचाने की प्लानिंग थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए लखनऊ में छोड़ा था मोबाइल फोन। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। हत्या से 5 दिन पहले का वीडियो आया सामने। इस वीडियो में शूटर के साथ जाती दिखी बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश। हार्ट अटैक से हुई जाकिर की मौत। कल कौशाम्बी में जाकिर का शव संदिग्ध हालत में मिला था। उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम का घर सील किया और जिसके लिए एसआईटी पूरे दलबल के साथ सद्दाम के घर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बाकी के 2 आरोपियों की तलाश तेज। मध्य प्रदेश के धार में 3 ट्रक आपस में ही टकरा गए। 3 ट्रकों में इसके बाद भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में विवाद के बाद 2 भाइयों को दिया कुएं में धक्का। घटना का वीडियो हुआ वायरल। दोनों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने तस्कर का किया एनकाउंटर। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी तस्कर घायल हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में भीषण आग लग गई। सीरियल के सेट पर लगी आग की चपेट में कई स्टूडियो। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बगहा में झोपड़ियों में भीषण आग से अफरा तफरी यहां पर मच गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह पता नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चलती कार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों का कहर देखने को मिला। लोगों ने डर से अपने मकान बेचने को यहां पर मजबूर नजर आए। घर बेचने के लिए घरों के बाहर लगाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में घर से 2 शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप यह है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर आत्महत्या। पीएफआई से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले की जांच कर रही एनआईए को करोड़ों की फंडिंग का पता चला है। मामले में एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीएफआई की बिहार इकाई को यूएई से करोड़ों की फंडिंग मिली थी। पकड़े गए 5 आरोपियों की तार जो है कर्नाटक और केरल पीएफआई से जुड़े हुए हैं। एक एसपीजी जवान अपने बच्चे और पत्नी के साथ नहर में गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने उसके परिवार को तो जरूर बचा लिया लेकिन जवान की तलाश अब भी जारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने के एक आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। दाऊद पर दिल्ली एनसीआर इलाके में कई गिरोह को अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने के आरोप में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कई दिनों से बाघिन की दहशत से ग्रामीणों में डर। वन विभाग की टीम बाघिन को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के से शिफ्ट की जाने वाली बाघिन अब भी वन कर्मियों की पकड़ से बाहर है। उसे पकड़ने के लिए हाथियों की मदद भी यहां पर ली जा रही है। मुंबई के मरोली इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुआ घुस गया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पर शिकंजा कसा। पंजाब विजिलेंस ने चन्नी के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर। रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए बीएसएफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण। आयु सीमा में भी राहत मिलेगी। खालिस्तान समर्थक यूट्यूब चैनल्स पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा। खालिस्तान के समर्थन में वीडियो दिखाने के आरोप में 6 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें उनके सामने 2 बच्चे जोशीले गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं।
आईएमएफ ने पाकिस्तान के जख्मों पर एक बार फिर से छिड़का नमक। आईएमएफ ने आर्थिक संकट में फंसे देशों की मदद के लिए कर्ज की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज देने पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया। श्रीलंका में आर्थिक हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सरकारी खजाना खाली होने की वजह से वहां चुनाव टालने की यहां पर नौबत आ चुकी है। सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के पास बैलेट पेपर प्रिंट करने तक के पैसे नहीं बचे। अमेरिका पर मंडराया आर्थिक संकट का खतरा, सिलिकॉन वैली बैंक हुआ बंद, FDIC पर भी जड़ा गया ताला। पेरू में याकू तूफान के बाद आई बाढ़ से लोगों का हाल इस वक्त बेहाल हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। कैलिफोर्निया में हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ का कहर इस वक्त झेल रहे हैं। कैलिफोर्निया के उत्तरी हिस्सों में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। चीन के प्रांत के एक इलाके में अचानक से ही आसमान से कीड़ों की बारिश होने का वीडियो वायरल हुआ। मौसम बिगड़ने के बाद अजीब तरह से यहां पर कीड़े नजर आए। ब्रिटेन पर सर्दी का कहर टूटा, बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से लोगों का जीना यहां पर मुश्किल हो चुका है। घर, सड़क, कार सब पर बर्फ की मोटी परत यहां पर जमी हुई नजर आई। इटली सरकार ने देश में घुसने की कोशिश करने वाले 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। सभी लोग नाव की मदद से समंदर के रास्ते घुसने की कोशिश में थे। अमेरिकी देश अर्जेंटीना के रोसारियो में बच्चा चोरी के शक में एक आदमी की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। भीड़ ने आरोपी को घेर कर पीटा, पुलिस ने आदमी को अपनी कस्टडी में लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बर्फबारी के बीच फंसी गायों को मदद पहुंचाने की कोशिश हुई तेज, हेलीकॉप्टर की मदद से गायों तक घास पहुंचाई गई। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और जिसके बाद सेना को मैदान में उतरना पड़ा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने फिर से छटनी का ऐलान किया। कंपनी ने छटनी की दूसरी लिस्ट को तैयार कर लिया है। पहले राउंड की छटनी में 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। अब चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ। इससे पहले ईडी ने के कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। सीबीआई के समन्स पर आज पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। अस्पताल में पत्नी के भर्ती होने का दिया हवाला, नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को जारी किया था समन्स। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी के निशाने पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के रिश्तेदार भी। पटना में लालू यादव के करीबी के घर की ईडी की छापेमारी में भारी तादाद में कैश और गहने बरामद। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के रिश्तेदार ईडी के निशाने पर। यूपी के गाजियाबाद में लालू यादव के एक रिश्तेदार के यहां देर रात छापेमारी हुई। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी पर सियासत गरमाई, जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर प्रधानमंत्री बोले, हमारी सरकार ने युवाओं का कौशल बढ़ाने और रोजगार का अवसर देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने आयुर्वेद सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद पूरे विश्व में छाने के तैयार है। नीतीश कौशिक की पार्टी वाले फार्म हाउस से पुलिस को मिले संदिग्ध दवाई के पैकेट, पार्टी में आए गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रही है पुलिस, जांच में पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से 2 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की आला अफसरों के साथ चर्चा, आज नीति आयोग करेगा सभी राज्यों के साथ बैठक। गुजरात विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित, केंद्र से बीबीसी पर सख्त कार्रवाई की मांग, हर्ष संघवी ने बताया टूलकिट।
प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे से नैनी जेल में मिले थे कुछ लोग। अली का दोस्त बनकर की थी मुलाकात। 24 फरवरी को हुई थी मुलाकात। उमेश पाल शूटआउट कांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को बचाने की प्लानिंग थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए लखनऊ में छोड़ा था मोबाइल फोन। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। हत्या से 5 दिन पहले का वीडियो आया सामने। इस वीडियो में शूटर के साथ जाती दिखी बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश। हार्ट अटैक से हुई जाकिर की मौत। कल कौशाम्बी में जाकिर का शव संदिग्ध हालत में मिला था। उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम का घर सील किया और जिसके लिए एसआईटी पूरे दलबल के साथ सद्दाम के घर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला जेल में बंद अतीक अहमद के भाई से गैर कानूनी तरीके से मिलने के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बाकी के 2 आरोपियों की तलाश तेज। मध्य प्रदेश के धार में 3 ट्रक आपस में ही टकरा गए। 3 ट्रकों में इसके बाद भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में विवाद के बाद 2 भाइयों को दिया कुएं में धक्का। घटना का वीडियो हुआ वायरल। दोनों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने तस्कर का किया एनकाउंटर। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी तस्कर घायल हुआ। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में भीषण आग लग गई। सीरियल के सेट पर लगी आग की चपेट में कई स्टूडियो। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के बगहा में झोपड़ियों में भीषण आग से अफरा तफरी यहां पर मच गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह पता नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चलती कार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंगों का कहर देखने को मिला। लोगों ने डर से अपने मकान बेचने को यहां पर मजबूर नजर आए। घर बेचने के लिए घरों के बाहर लगाए पोस्टर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक घर से 2 शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोप यह है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर दी। बिहार के छपरा में छापेमारी के दौरान शराब तस्करों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज और मारपीट यहां पर की। बदसलूकी का वीडियो भी आया सामने। मध्य प्रदेश के दमोह में नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। जमीन कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान पर बुलडोजर चला। जम्मू में एक महिला डॉक्टर के चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पीएम बोले, हमारी सरकार ने करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने और रोजगार का अवसर देने का काम किया। आजादी के बाद भी हमारे कारीगरों को सरकार से जहां जरूरत पड़े मदद की आवश्यकता थी वो नहीं मिल पाई। हमारी सरकार ऐसे लोगों नए भारत का विश्वकर्मा मानती है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला। बीजेपी के गौरव भाटिया बोले, कट्टर ईमानदार लोग ईडी और सीबीआई के सवालों के जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं। सीबीआई के समन्स पर आज पेश नहीं हुए तेजस्वी यादव। अस्पताल में पत्नी के भर्ती होने का दिया हवाला। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को जारी किया था समन। जमीन के बदले नौकरी केस में बीजेपी ने नीतीश सरकार पर किया प्रहार। बीजेपी बोली, जो नीतीश पहले इस मामले में लालू और राबड़ी देवी के खिलाफ जांच की मांग करते थे वो पलट कैसे गए। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी पर गरमाई सियासत। गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। सीएम आवास की ओर से जाने से पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का धक्की।
दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जांच के लिए के कविता का मोबाइल फोन लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन में सबसे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं से बदसलूकी पर गरमाई सियासत। जयपुर में पुलिस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। शहीद परिवारों के समर्थन में बीजेपी सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग। दिल्ली के आबकारी घोटाला केस में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जांच के लिए के कविता का मोबाइल फोन लिया है। सीबीआई के समन्स पर आज पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। अस्पताल में पत्नी के भर्ती होने का दिया हवाला। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए तेजस्वी को जारी किया था समन्स। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी के निशाने पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के रिश्तेदार भी। पटना में लालू यादव के करीबी के घर की गई ईडी की छापेमारी में भारी तादाद में कैश और गहने बरामद। जमीन के बदले नौकरी केस में बीजेपी ने नीतीश सरकार पर किया प्रहार। बीजेपी बोली, जो नीतीश पहले इस मामले में लालू और राबड़ी देवी के खिलाफ जांच की मांग करते थे, वो अब पलट कैसे गए। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला। बीजेपी के गौरव भाटिया बोले, कट्टर ईमानदार लोग ईडी और सीबीआई के सवालों के जवाब तक नहीं दे रहे हैं। कोल्हापुर में एनसीपी विधायक हसन मुशरीफ के घर के बाहर समर्थकों का हंगामा। तीसरी बार विधायक के घर पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं समर्थक। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पोस्ट बजट वेबिनार में पीएम मोदी का संबोधन। विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पीएम बोले, हमारी सरकार ने युवाओं का कौशल बढ़ाने और रोजगार का अवसर देने का काम किया है। यूपी के मेरठ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने आयुर्वेद सम्मेलन में लिया हिस्सा। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा, आयुर्वेद पूरे विश्व में छाने के लिए अब तैयार। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में जांच कर रही एनआईए ने किया करोड़ों की फंडिंग का पर्दाफाश। पीएफआई से जुड़े 5 आरोपियों को भी किया गया गिरफ्तार। राजभोपाल हत्याकांड का आरोपी शूटर अब्दुल कवि का भाई अब्दुल कादिर गिरफ्तार। मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे से नैनी जेल में मिले थे कुछ लोग। अली का दोस्त बनकर की थी मुलाकात। 24 फरवरी को हुई थी यह मुलाकात। उमेशपाल शूटआउट कांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को बचाने की थी प्लानिंग। पुलिस को गुमराह करने के लिए लखनऊ में छोड़ा था मोबाइल फोन। जम्मू के अखनूर में घरोठा इलाके में केरी गांव में 5 ग्रेनेड मिले। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने की गांव की घेराबंदी। सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने के विरोध में जम्मू के सांबा में बंद का आह्वान। विरोध में व्यापार मंडल संगठन और सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के संभाजीनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान और यात्रियों ने बचाई एक महिला की जान। चलती ट्रेन से उतरकर वक्त हादसा हुआ। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बैंक्वेट हॉल में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के नागपुर में मसालों से भरा ट्रक बीच सड़क धू धू कर जलने लगा। गनीमत रही, वक्त रहते ट्रक चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक स्कूल में आग लगने से मची अफरा तफरी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। मुंबई के अंबरनाथ में एक गोदाम में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। लपेटों की चपेट में आया पास का एक और गोदाम। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश के धार में 3 ट्रक आपस में टकराए। तीनों ट्रकों में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना में पीवीसी पाइप बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से इलाके में मची अफरातफरी। दमकल की गई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। यूपी के मथुरा में चलती कार में आग लगने से मचा हड़कंप। कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। वहां रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमला। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और लोगों को खदेड़ा। यूपी के बांदा में डीजी की धुन में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर कर रही है आरोपियों की तलाश। यूपी के शाहजहांपुर में मारपीट और फायरिंग करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद। एमपी के नरसिंहपुर में विवाद के बाद दो भाइयों का दिया गया कुएं में धक्का। घटना का वीडियो वायरल। दोनों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन।
महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवाड़ में इलाके में कई गाड़ियों पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, पुलिस कर रही है मामले की जांच। एमपी के दमोह में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन। जमीन कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान पर चलाया गया बुलडोजर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने के एक आरोपी दाऊद को गिरफ्तार किया है। दाऊद पर दिल्ली एनसीआर इलाके में कई गिरोह का अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने के आरोप लगे हैं। सतीश कौशिक की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि हो गई है। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 से दो लोगों की गई जान, केंद्र सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की आला अफसरों के साथ चर्चा। खालिस्तान समर्थक यूट्यूब चैनलों पर केंद्र सरकार ने कसा शिकंजा। खालिस्तान के समर्थन में वीडियो दिखाने के आरोप में 6 यूट्यूब चैनल बैन हुए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जिसमें उनके सामने दो बच्चे जोशीले गाने गाते दिखाई दिए। आईएमएफ ने पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़काया नमक। आईएमएफ ने आर्थिक संकट में फंसे देशों की मदद के लिए कर्ज की सीमा को बढ़ाने का ऐलान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। श्रीलंका में आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकारी खजाना खाली होने की वजह से वहां चुनाव टालने की नौबत आ गई है। सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के पास बैलेट पेपर प्रिंट करने तक के पैसे नहीं है। अमेरिका पर मंडराया आर्थिक संकट का खतरा। सिलिकॉन वैली बैंक हुआ बंद, FDIC पर भी जोड़ा गया ताला। पेरू में याकू तूफान के बाद आई बाढ़ से लोगों का हाल है बेहाल। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कैलिफोर्निया में जोरदार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का कहर। कैलिफोर्निया के उत्तरी हिस्सों में ज्यादा हालात खराब। सड़कों पर घुटनों तक भरा है पानी। चीन के लियाओनिंग प्रांत के एक इलाके में अचानक आसमान से कीड़ों की बारिश होने का वीडियो वायरल हुआ। मौसम बिगड़ने के बाद अजीब तरह से कीड़े दिखे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बर्फबारी के बीच फंसी गायों को मदद पहुंचाने की कोशिश हुई तेज। हेलीकॉप्टर की मदद से गायों तक घास पहुंचाई गई है। ब्रिटेन पर सर्दी का कहर टूटा। बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से लोगों का जीना हुआ दूभर। घर, सड़क, कार सब पर बर्फ की मोटी चादर नजर आई। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, जिसके बाद सेना को मैदान में उतारा गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा अभियान। सरकार ने देश में घुसने की कोशिश करने वाले 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। सभी लोग नाव की मदद से समंदर के रास्ते में घुसने की कोशिश में थे। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म ने फिर छटनी का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने छटनी की दूसरी सूची जारी कर ली है। पहले राउंड की छटनी में 11,000 कर्मचारियों को निकाला गया था। रूस की वायुसेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो किया जारी। एयर स्ट्राइक का किया दावा। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने यूक्रेन की तरफ से दागी गई क्रूज मिसाइल को हवा में किया ध्वस्त। यूक्रेन की सेना वीडियो जारी कर दी गई जानकारी। और इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना की KCR सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक परिवार पूरी तरह से सरकार सिमट कर रह गई है। तेलंगाना के खजाने भी खाली करते। तेलंगाना जब बना था तब क्या हालत थी और आज क्या है। कर्जे में डुबोने का काम जिन्होंने किया, एक परिवार तक पूरी सरकार सीमित होके रह गई। आज जो महिला नेतृत्व की आरक्षण की बात करते हैं, वो 9 साल कहाँ थे? तो 5 साल MP भी थे उससे पहले। और वही शहीदों के अपमान पर BJP ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में सेना का अपमान किया गया। एक और अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 rank 1 pension भी सेना के पूर्व सैनिकों को देने का काम किया, उसको रिवाइज करने का काम भी किया। बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर रफेल विमान से लेकर लेटेस्ट हथियार स्नो बूट से लेकर स्नो सूट देने का काम किया, जो कि कांग्रेस के समय 10 साल तक नहीं मिल पाते थे। हमने अपनी सेनाओं को और मजबूत करने का काम किया है। देश को रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूती मिली है। भारत आंखें झुका के काम बात नहीं करता, ना आंखें उठाकर करता है,
आंखों में आंखें डालकर आंखें मिलाकर बात करता है। ये नए भारत, सशक्त भारत का रूप देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में सैनिकों के और उनके परिवारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण। और अब बात दक्षिण अमेरिकी की करेंगे। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के लीमा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तूफान और तेज बारिश में तबाही मचाई है वहां पर। याकू नाम के इस हरिकेन का असर पेरू के कई इलाकों में देखने को मिला है। इसकी तस्वीरें जो मिल रही हैं वो भी आपके सामने है। पूरा इलाका इस तूफान से इस वक्त दहशत में, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के क्विंसलैंड से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने ऐसा कहर ढाया है कि कई इलाके खतरनाक बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और इसके बाद वहां सेना को मैदान में उतार दिया गया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एवी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया विकास अक्षय दोनों का। ये जो एवी ब्रदर्स है, ए फॉर अक्षय, बी फॉर विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज सैटरडे है, वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, आज ज्यादा लोग होते हैं, रोज से ज्यादा लोग आज थोड़े होते हैं, नए चेहरे भी होते हैं। अमूमन तो भैया जी कहीं में मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को, नए लोगों को शरीक किया जाए, और मैं पूछता भी उन्हीं लोगों से हूं ज्यादा, लेकिन आने वाले रोज भी आते हैं, जो लोग अक्सर आते हैं मैं उनको जानता हूं, लेकिन सबका स्वागत है, ये शो सबका है। आज सैटरडे है, शो तो है भैया जी, लेकिन उसका नाम आज बदल जाता है, आज उसका नाम है देश को जवाब दो। जो सवाल सबसे बड़े हैं, जो सवाल एक हफ्ते का सबसे बड़ा सवाल है, या जो मौजूदा सवाल है, या यानी कि जो खबर चल रही है उसको रखता हूं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि एक खबर तो मैं लेके चलता हूं ऑफिस से, जो रोज सुबह हम तय करते हैं उसके बाद आ जाते हैं, लेकिन एक खबर आपके पास होती है, और आपके पास जो खबर होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। किसी के अपने मसले हैं, कोई अपनी परेशानी, और कोई अपने बड़े समाज में जहां से आता है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो मुद्दे लेके आता है, वो ज्यादा अहम है और वही ज्यादा अहमियत रखते हैं मेरे शो में।
थैंक यू सो मच सर। कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से आए हैं मैम। थैंक यू सो मच जो आप शो में शरीक हुई। क्या नाम है सर आपका? भाटिया साहब। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं? हमें आप ही से मिलना था, रोज सोचते थे कि आपसे किस दिन मिलेंगे। आज गुरुद्वारे आए तो मैंने कहा आज मिलके जाना है। क्या बात है, जब कोई मंदिर इधर आ रहा होता है या कोई गुरुद्वारे आ रहा होता है या कोई घर जा रहा होता है, ये कैनॉट प्लेस ऐसी जगह है कि मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है। जी जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? जयपुर राजस्थान से आना हुआ। सब ठीक तो है? सब बढ़िया है। राजस्थान में बहुत बढ़िया। राजस्थान भी बहुत बढ़िया है, तो ऐसे ही बढ़िया रहिए। बाबूजी को आगे आगे बुला लीजिए, आजिए आजिए आगे आ जाइए। आ जाओ जी। किसानों की बारे में दशा खराब है? किसान है आप, बहुत अच्छी बात है। प्याज 5 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ जी, हमारा प्याज 5 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ, और मोदी जी की यहाँ 40 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए। हाँ, ये बात सच है कि मैं जो प्याज खरीदता हूँ 35 रुपए, 40 रुपए का खरीदता हूँ, और जो किसान के पास प्याज है वो 5 रुपए का है। यही आलू के साथ है, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, ये जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, जो आलू की सबसे बड़ी बेल्ट है जी, इखलास जी, जहां से आप आए हैं? सादाबाद। कहां से आए हैं आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से, वो आलू की बेल्ट है। आलू वहां पे 2 या 3 रुपए किसान के पास है। कोई बात नहीं, गार्ड साहब पैसे उठाइए, वहां पे वो पैसा पड़ा हुआ है, उठा लीजिए, कोई बात नहीं जी। थैंक यू सो मच। तो मैं कह रहा था किसान जो आलू है वो 4 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए का बेच रहा है, जैसे आप कह रहे हैं मैं प्याज 5 रुपए, और हमको जब खरीदना पड़ता तो हम 35 या 40 रुपए का खरीद रहे हैं। तो ये एक बड़ी विसंगति है जिसको दूर होना चाहिए। बाबूजी मैं चाहता हूँ आप किसान है वहां ना खड़े हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल बुजुर्ग है। गार्ड साहब पैसे आप भी दूसरे के पैसा गिनने में मस्त हो गए, किसी ने पैसे लुटाए, यहाँ मेरे पास आओ, किसी ने पैसे लुटाए और तुम दूसरों के पैसे गिनने में मस्त हो गए, यही हो रहा है आजकल। पैसा वहां रख दो बाबू जी, बैठ जाइए। हाँ बेटा, दो किसानों को दे दो जरा। अजय बैठिए बैठिए बाबू जी, आइए इधर भी एक एक जी। कहाँ से आना हुआ आपका? झारखंड से। झारखंड से, पलामू से। ओए होए, मुझे पलामू का वो दृश्य याद आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आई हैं आप पलामू से। डाल्टनगंज जी, मुझे याद है जी, डाल्टनगंज से ही हैं आप जी। तो कैसे आना हुआ यहाँ? दिल्ली को आए थे अपना इलाज कराने। इलाज हुआ? जब भी आते हैं तो आपका प्रोग्राम हमको देखने का बहुत मन करता है, और आज आपके प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। परसों मिलेंगे डॉक्टर से? परसों मिलेंगे, आज मन हो रहा था। पहले तो हम सारे लोग ये इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, कि सारे लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं कि आपका जल्दी से स्वस्थ हो, आपका चेहरा मुस्कुराता हो।